आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे पीएम प्लस डिजाइन एंड नॉलेज में। मैं हूँ सिविल इंजीनियर प्रीतिश। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि दोस्तों है कि सरकार का रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको किस प्रकार का आपका बिल्डिंग बनना चाहिए, आप कैसे आप अपना बिल्डिंग बना सकते हैं सरकार का रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मेरे हाथ में जो है ये है पूरा रूल बुक, मतलब बिल्डिंग किस प्रकार बनना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ 146 पेज का इसमें जितना यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन है सब तो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन उसमें से मैं आपको दो रूल ऐसा बताऊंगा दोस्तों जो कि हर एक आदमी को जब वो अपना घर बना रहा है तो उनको ये दो रूल हमेशा याद करके वो घर बनाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्या क्या रूल होता है, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि रूल क्या क्या होता है। और एक चीज़, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आप जहां पे घर बना रहे हैं वो आपका विलेज एरिया है या आपका टाउन एरिया है। अगर आपका विलेज एरिया है तो आपको सरपंच से अप्रूवल लेना पड़ेगा, सरपंच सिग्नेचर करेगा तो आप वो बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन गाँव में अगर देखा जाए तो विलेज में इतना ज़्यादा रूल नहीं होता है, अगर होता भी है तो कोई फॉलो भी नहीं करता। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जहाँ पे आप अगर टाउन में रह रहे हैं और जहाँ पे आप रह रहे हैं वो अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में वो अगर जा रहा है तो दिक्कत दोस्तों वहाँ पर आता है। क्या दिक्कत आता है, कैसे दिक्कत नहीं आएगा, उसी के बारे में टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारे चैनल से आप लोगों को घर का नक्शा, प्लान, डिजाइन, एलिवेशन ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर टाउन एरिया में आप बना रहे हैं तो आपको क्या क्या रूल यहाँ पे जो फॉलो करना है, ऐसे मैं आपको जानकारी दे देता हूँ थोड़ा सा रूल। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं उससे आगे का रोड कितना है, साइड में रोड का चौड़ाई कितना है, वो दोस्तों एक है। जिस हिसाब से रोड होगा उसी हिसाब से आपका बिल्डिंग बनेगा दोस्तों, ये भी एक रूल है। दोस्तों, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल होता है, जैसे कि यहाँ पे ये उड़ीसा स्टेट है तो आपके स्टेट में आप अगर सर्च करके देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ आपका कौन सा स्टेट है, जैसे कि ये उड़ीसा है, यहाँ पे लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आपका भी ऐसा एक डिपार्टमेंट होगा आपके स्टेट में। आप वहाँ पे जाके रूल एंड रेगुलेशन देख सकते हैं कि बिल्डिंग किस तरह से बनना चाहिए। तो रोड कितना है, आपका रोड का चौड़ाई कितना है, इलेक्ट्रिक पोल आपके घर के आसपास कितना फीट दूरी में है, आप जो घर बना रहे हैं आपका प्लॉट एरिया छोड़ के, आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो प्लॉट एरिया आप कितना छोड़ रहे हैं, प्लॉट एरिया से कितना छोड़ के आप अपना घर बना रहे हैं, जिसको सेटबैक एरिया भी दोस्तों बोला जाता है। जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं वो बिल्डिंग से दूसरा वाला बिल्डिंग का गैप कितना होना चाहिए, अगर आप गाड़ी का पार्किंग के लिए आप अगर रैंप बना रहे हैं तो वो किस हिसाब से होना चाहिए, जब आप कॉलम का लेआउट दे रहे हैं वो किस हिसाब से होना चाहिए, बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, एरिया के अनुसार कितना स्क्वायर फीट के अनुसार कितना मंजिला बिल्डिंग आप बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे दोस्तों हैं, वो हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ बताऊँगा, एक बताऊँगा कि इलेक्ट्रिक लाइन कितना दूर में आपको होना चाहिए, आपके बिल्डिंग से कितना दूर में होना चाहिए, और जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं वो आप कितना एरिया चारों तरफ छोड़ना चाहिए, आपके एरिया में से जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं कितना एरिया आपको चारों तरफ रखना है दोस्तों, ये बताऊंगा। और एक चीज़, ये जो आपको ज़रूरत है कहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे टाउन एरिया में आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं और उसी बिल्डिंग के लिए घर बनाने के लिए आप हाउस लोन अगर ले रहे हैं तो बैंक को आपको दिखाना पड़ेगा, जो अप्रूवल ड्राइंग है वो आपको दिखाना पड़ेगा, और जो अप्रूवल ड्राइंग है वो दोस्तों इसी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही वो अप्रूवल ड्राइंग बनेगा। चलिए दोस्तों, बिना देर के मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नज़र कीजिए, पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन के बारे में बात करेंगे। देखिए, लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन एंड सर्विस लाइन अगर है तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना रहेगा, वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा 8 फुट 3 इंच। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके छत से वो लाइन कितना दूरी पर होना चाहिए, आपके छत से वर्टिकल डिस्टेंस वो होता है वर्टिकल डिस्टेंस 8 फीट 3 इंच होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब आपका बिल्डिंग फ्रंट से
कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कि है 3 फीट 10 इंच, ये है गया एक। दो नंबर पे हाई वोल्टेज लाइन अप टू एंड इंक्लूडिंग 11,000 वोल्ट की अगर लाइन जा रहा है तो आपके छत से वो डिस्टेंस होना चाहिए 12 फुट 2 इंच। ये दोस्तों पूरा प्रॉपर स्टेट के गवर्नमेंट के रूल के अनुसार लिखा गया है, आपको इस तरीके से रखना है और आपके सेफ्टी के मुताबिक भी दोस्तों गवर्नमेंट ये सोच के बनाया है दोस्तों किस प्रकार का आपका बिल्डिंग सेफ तरीके से बन सकता है। ये हाई वोल्टेज लाइन के लिए दोस्तों वर्टिकल डिस्टेंस 12 फीट 2 इंच, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 फीट 10 इंच। हाई वोल्टेज लाइन अबव 11,000 वोल्ट एंड अप टू एंड इंक्लूडिंग 30,000 वोल्ट अगर है तो वही वर्टिकल डिस्टेंस जो रहेगा 12 फीट 2 इंच का, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा 6 फीट 6 इंच का। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन बियॉन्ड 33,000 वोल्ट से अगर ज़्यादा है तो दोस्तों देखिए वर्टिकल डिस्टेंस रह जाएगा आपका 14 फुट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रह जाएगा आपका 7 फीट 6 इंच, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे रखा गया है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक लाइन। अभी हम बात करें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका जितना प्लॉट एरिया है, मान लीजिए आपका प्लॉट एरिया है 1200 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट में आप घर कितना स्क्वायर फीट में बनाएंगे, 1000 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर फीट, कितना एरिया आपको छोड़ना है वो दोस्तों हम इस यहाँ पे बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों देखिए अप टू 1200 स्क्वायर फीट, अगर 1200 स्क्वायर फीट के अंदर आपका घर अब बन रहा है, मान लीजिए प्लॉट एरिया आपका 1400 है लेकिन आप 1200 में अगर बना रहे हैं तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे मिनिमम आपका फ्रंट से जो सेटबैक रखना चाहिए, मतलब फ्रंट से जो जगह आपको छोड़ना चाहिए 3 फुट 3 इंच का, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ये सब नहीं छोड़ेंगे तो चलेगा। 1200 से 1800 स्क्वायर फीट का आप अगर घर बना रहे हैं तो आपके प्लॉट से फ्रंट से आपको छोड़ना है 3 फीट 3 इंच। टोटल कम्युलेटिव फ्रंट एंड रियर सेटबैक आगे और पीछे दोनों मिला के आपको रखना है 6 फीट 6 इंच। दोस्तों यहाँ पे कितना हो जा रहा है आपका 3 फीट 3 इंच आगे 3 फीट 3 इंच पीछे, आपको ऐसे रखना है। 1800 से 2400 स्क्वायर फीट का आप अगर घर बना रहे हैं तो प्लॉट एरिया से आपको रखना है फ्रंट से 3 फीट 3 इंच। ये दोस्तों देख लीजिए टोटल कम्युलेटिव फ्रंट एंड रियर 6 फीट 6 इंच, वही मतलब हो गया आपका आगे से 3 फीट 3 इंच, पीछे से भी 3 फीट 3 इंच। लेकिन यहाँ पे आप नजर करेंगे टोटल कम्युलेटिव साइड सेटबैक, दोनों साइड से मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड से आपको दोनों मिला के 3 फीट 6 इंच दोस्तों रखना ही रखना है दोस्तों। और एवब 2400 स्क्वायर फीट एंड 3200 स्क्वायर फीट अगर है तो मिनिमम फ्रंट से आपको 5 फीट रखना है, फ्रंट एंड बैक मिला के आगे और पीछे मिला के आपको 8 फीट 3 इंच का रखना है। और पूरा अगर कम्युलेटिव साइड सेटबैक हम देखें तो 6 फीट 6 इंच का आपको गैप देके ही बिल्डिंग बनाना है। अगर 3200 से 5300 स्क्वायर फीट का आपका घर बना रही है, ये तो दोस्तों रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ये घर नहीं बनता, ये बनता है कमर्शियल पर्पज के लिए 3200 से 5300 इतना बड़ा, जो कि मैं ये भी आप जान लीजिए कि फ्रंट से आपको रखना है 5 फीट, आपके प्लॉट एरिया से जो बिल्डिंग बनेगा 5 फीट फ्रंट से, और कम्युलेटिव फ्रंट एंड रियर से दोनों तरफ से आगे और पीछे मिला के 9 फीट 9 इंच आपको रखना है, और आपको साइड सेटबैक जो रखना है राइट साइड और लेफ्ट साइड से वो मिला के दोस्तों 9 फीट 9 इंच होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका मैंने आपको यहाँ पे बताया दोस्तों किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपका घर आप बना सकते हैं, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके दोस्तों किस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपका बिल्डिंग इल्लीगल कहा जाएगा। कभी भी आके सरकार कोई भी गलती अगर दिख जाए, अगर हो जाए, इधर उधर हो जाए, कभी आपके सरकार आके आपको बिल्डिंग को तोड़ भी सकता है, नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान दे के ही आप घर बनाइए। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो सेटबैक एरिया है ना, प्लॉट से आपका बिल्डिंग कितना छोड़ के आप जो बनाएंगे ना, वो दोस्तों एक और दो एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि अगर आप छोड़ के बनाएंगे दोस्तों, आपका जो प्लॉट एरिया है वहाँ से बिल्डिंग अगर 3-4 फीट चारों तरफ से आप छोड़ के बनाएंगे तो क्या होता है ना कि जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, और जो सनलाइट है, जो नेचुरल लाइट है, वो भी दोस्तों घर के अंदर आ पाएगा। दोस्तों हम जो नक्शा बनाते हैं वो दोस्तों हमेशा हम 3 फीट या 4 फीट चारों तरफ से रखते हैं, ताकि हम क्लाइंट को ये बोलते हैं कि आपका घर में नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन अगर नहीं होगा तो घर में जो मेंबर, जो फैमिली मेंबर रह रहे हैं उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, घर में रहने के लिए घूमने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों ये था एक छोटा सा जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बताया, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये नॉलेज आपको ये मिला होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप अगर नहीं हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।